हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाइजी फेमिनिन इंटीमेट वॉश के बारे में। दोस्तों, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती रहेगी, यूजफुल लगती रहेगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मैंने नायका से परचेस किया था। इसका प्राइस जो है 175 रुपीज है और इसका शेल्फ लाइफ 3 साल का है। आई गेस ये 100 ml का बॉटल है, यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, मैं एक बार चेक करके स्क्रीन पे डाल दूंगी। इसका पैकेजिंग जो है एकदम सिंपल सा, ऐसा ट्रांसपेरेंट सा बॉटल है। दोस्तों, आप देख सकते हो प्रोडक्ट कितना बचा है, क्या है, एकदम लाइट सा, थोड़ा सा एकदम ऐसा येलोइश कलर का प्रोडक्ट आता है दोस्तों, और फ्लिप कैप आती है। एकदम सिंपल पैकेजिंग है दोस्तों, और आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना आपको लेना है। लेकिन दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगी बस इतना प्रोडक्ट काफी है आपको यूज करने के लिए। अच्छे से फोम होता है दोस्तों ये, और बिल्कुल भी ऐसा इरिटेटिंग या अनइजी सा ड्राइंग ऐसा नहीं लगता है। काफी अच्छा है प्रोडक्ट यूज करने के लिए। पैकेजिंग पे पूरा इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं दिया है दोस्तों, पैकेजिंग पे की इंग्रेडिएंट्स खाली दिए हैं। जब कोई भी ब्रांड की इंग्रेडिएंट्स देता है तो मुझे थोड़ा सा फिशी लगता है। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो अपने साथ शेयर नहीं करना चाहते, इसीलिए वो खाली की इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। और ऐसे जो ब्रांड्स रहते हैं दोस्तों, मैं बहुत बार मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। और नायका ने भी एक्चुअली यही वहाँ पे दिया है इंग्रेडिएंट लिस्ट, और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐसा लिखा भी नहीं है दोस्तों। दोस्तों, मैंने इनके फेसबुक पेज पे मैसेज करके पूरे इंग्रेडिएंट लिस्ट मंगाया और उन्होंने शेयर भी किया। इसमें एलो, नीम, त्रिफला, गेंदा, फिटकर, ये से नॉन इंग्रेडिएंट्स है, लोधरा है जो गायनेकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर रहती है उसके लिए काम में आता है। फिर एक्ने प्रोन स्किन रहेगी, वुंड हीलिंग रहेगा उसके लिए लोधरा काम आता है, ये भी एक हर्ब ही है दोस्तों। और इसमें जो है ग्लिसरीन है जो एक मॉइस्चराइजिंग के लिए काम में आता है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल है हाइड्रेशन के लिए काम में आता है, ये एक ह्यूमेक्टेंट है। और बोरेक्स जो है ऑयलीनेस ग्रीजीनेस निकालने के लिए मदद करेगा। बोरिक एसिड, इमिड यूरिया और पिनोक्सिजनॉल जो है ये प्रिजर्वेटिव है दोस्तों। इसमें SLS फ्री बेस भी है, आई होप इसमें ज़्यादा केमिकल्स ना हो, बाकी SLS फ्री है वो काफ़ी अच्छा है। तो ऑल ओवर इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट अच्छा है। मैं इसे मोर देन 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छे से क्लींस करता है इंटीमेट एरिया को और बिल्कुल भी ऐसा ड्राइनेस इचीनेस फील नहीं होता है। और ये देखिए, इतना ही प्रोडक्ट अभी तक फिनिश हुआ है, 2 महीने से ज़्यादा मैंने यूज़ किया है और 175 रुपीज़ में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है ये प्रोडक्ट। इससे पहले मैं वी वॉश यूज़ करती थी और एक दिन ऐसे ही मैंने वी वॉश का इंग्रेडिएंट लिस्ट देखा और मैं काफ़ी शॉक हो गई, क्योंकि उसका दूसरा या तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो सल्फेट है, SLS है दोस्तों। एक तो इतना पॉपुलर प्रोडक्ट और प्राइस वाइज भी कुछ इतना अफोर्डेबल नहीं है वी वॉश दोस्तों, और सल्फेट्स है उसमें, तो ऐसे हम प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करें दोस्तों। हमारे पास इंडिया में काफ़ी सारे अभी ऑप्शंस अवेलेबल है। हम अगर ऐसे हाइजी जैसे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ऐसे छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वाइज क्वांटिटी वाइज और इंग्रेडिएंट लिस्ट वाइज हमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है दोस्तों। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, ज़रूर इसे परचेस कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और मुझे भी बताइए आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।